नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, ब्राइस टोकन को लॉन्च होकर लगभग एक साल हो गया, यानी कि दोस्तों पिछले साल का जुलाई महीने के आसपास ब्राइस टोकन लॉन्च हुआ था। और लॉन्च होने के बाद से अभी तक दोस्तों ब्राइस टोकन ने 24,770% पंप के साथ है। मतलब दोस्तों आज से एक साल पहले जब ब्राइस टोकन का ILO फेज था, यानी कि दोस्तों इनिशियल लॉन्चिंग ऑफर था, उस टाइम अगर दोस्तों आपने ब्राइस टोकन में इन्वेस्टमेंट किया होता 1,000 रुपीज, लगभग दोस्तों आज के टाइम पे आपके पास होता 2.5 करोड़ रुपया। मतलब आप समझ सकते हो कितना ह्यूज लेवल का प्रॉफिट। सो आज के वीडियो में दोस्तों हम सिंपल सा प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे। आज के डेट में अगर 1,000 रुपीज हम ब्राइस टोकन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस साल का एंडिंग यानी कि दोस्तों 2022 का एंडिंग से लेके 2025 तक, यानी कि दोस्तों 2025 तक हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। हम टोटल सप्लाई की बात करेंगे ब्राइस क्वाइन की, तो 1,000 ट्रिलियन जो कि दोस्तों 1 क्वाड्रिलियन के बराबर है। करंट मार्केट कैप है दोस्तों ब्राइस क्वाइन का 150 मिलियन। करंट प्राइस है ब्राइस क्वाइन का दोस्तों 0.6035 का जोन पकड़ा हुआ है, और ऑल टाइम हाई इसने टच किया था दोस्तों 0.5040 का जोन पकड़ा हुआ था। करंट बिटकॉइन की यहां पर अगर मार्केट कैप की बात करेंगे 550 बिलियन का मार्केट कैप है बिटकॉइन का। ब्राइस टोकन का दोस्तों 57% ऑलरेडी बर्नआउट हो गया है। ब्राइस टोकन को दोस्तों लॉन्च होकर सिर्फ एक साल हुआ है, और एक साल में दोस्तों इसने 57% बर्नआउट कर दिया है। तो रेस्ट सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करेंगे 43% यहाँ पर रह जाता है। अगर दोस्तों ब्राइस टोकन 57% इन ईयर यहाँ पर बर्न कर देता है, तो इस रेशियो में अगर हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों 50% से भी ज्यादा बर्निंग हो जाता है, तो विद इन 2 ईयर दोस्तों हमें यहाँ पर देखने मिलेगा 99% बर्निंग, जो कि दोस्तों थियोरिटिकली एंड मैथमेटिकली यहाँ पर पॉसिबल है। बट ऐसा अगर नहीं होता है, इतना ह्यूज लेवल का बर्निंग नहीं होता है, तो हम यहाँ पर 3 साल का गैप ले सकते हैं दोस्तों। पर ईयर अगर हम दोस्तों यहाँ पर 15% का भी यहाँ पर बर्निंग मान लेते हैं, बर्निंग रेशियो मान लेते हैं, तो 2025 तक यहाँ पर हमें देखने मिल जाएगा 99% बर्नआउट हो जाएगा। अगर इस तरह से पॉसिबल हो पाता है दोस्तों, बर्निंग रेशियो इस तरह से चलता है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें 10 ट्रिलियन का टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई रह जाएगा, जो कि दोस्तों 2025 का एंडिंग तक, जो कि दोस्तों प्राइस को बूस्ट कर सकता है। इस कैलकुलेशन को दोस्तों अगर हम इग्नोर भी कर देते हैं, ये नहीं पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं ब्राइस टोकन क्या 3-0 किल कर सकता है। सो लेट एज्यूम दोस्तों 1000 ट्रिलियन का यहां पर 150 मिलियन मार्केट कैप लेके बैठा है, और अगर हम यहां पर किल कर देते 3-0, सपोज हम 3-0 को किल कर देते, तो इसका प्राइस हमें देखने मिलेगा 0.3053। सो दोस्तों ये पॉसिबल है कि नहीं, यहाँ पर कैलकुलेट से ही पता चल जाएगा। जैसे देख सकते हो दोस्तों 150 मिलियन को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लगभग 150,000 मिलियन का यहाँ पर आसपास का मार्केट कैप आ जाता है, जो कि दोस्तों 150 बिलियन का मार्केट कैप हो जाता है कैलकुलेट करने से। सो ये पॉसिबल है दोस्तों, 150 मिलियन का मार्केट कैप पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है हम यहाँ पर आगे डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों BTC का अगर मार्केट कैप की बात करेंगे, यहाँ पर 550 मिलियन का मार्केट कैप है, और यहाँ पर 150 मिलियन का मार्केट कैप चाहिए, जो कि दोस्तों क्वाइट पॉसिबल है ब्राइस टोकन के लिए, क्योंकि दोस्तों ब्राइस टोकन एक बहुत ही हाई लेवल का यूजेबल टोकन है, यूजेबिलिटी बहुत ही अच्छा है, 0 गैस फीस ब्लॉकचेन है दोस्तों, जिसका कि यूटिलिटी केस बहुत फास्ट है, और यहाँ पर दोस्तों इसने विद इन 8 मंथ 3-0 किल किया था दोस्तों, इसके लिए पॉसिबल है। सो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 1-0 किल करने का पॉसिबल है, 2-0 किल करने का पॉसिबल है, बट 3-0 किल करने का ये भी पॉसिबल है, बट दोस्तों 4-0 किल करने का यहाँ पर अभी पॉसिबिलिटीज नहीं है। सो 2025 तक हमें यहाँ पर 3-0 ये किल होता हुआ दिख सकता है।